इनके राघवन श्री बेनी बहनन टी प्रतापन माने प्लीज मान्य सदस्यगण, देश के खिलाड़ी और युवाओं पर जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और आपको मैं हमेशा बोलने का मौका देता हूं, देश के नौजवान खिलाड़ियों के जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आप सदन पर बेल पर आकर जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, ये सदन की अच्छी प्रक्रिया नहीं है। नो, गलत है, गलत है आपका। रोज आप नहीं, आप फिर मैं माने सदस्य नो, मैं फिर माने सदस्यों फिर आपसे आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, सदन में इस सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है और कभी भी आसन से बेल में खड़े होकर बातचीत नहीं करें। और अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो नियम प्रक्रिया आपने बनाए, ये सदन में नियम प्रक्रिया आप है, ये अच्छी बात नहीं है। नो, गलत। मैं आपको मान्य सदस्यगण, आप अपनी सीट पर जाए, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, सीट पर जाए, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, सीट पर जाए, मैं सीट पर व्यवस्था दे रहा हूँ। प्रतापन जी, प्रतापन जी नौ सीट पर जाए। हाँ माननीय सदस्यगण, नहीं दादा आपको अलाउ नहीं किया मैंने, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, मैं प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण काल होता है, ये सभी सदस्यों का सदन का महत्वपूर्ण प्रश्नकाल माना जाता है। मैंने आपको स्थगन पर कोई व्यवस्था भी नहीं दी है, आपको स्थगन पर व्यवस्था मैं दूं तब आपको बेल पे आना चाहिए। आप संसद की परंपराएं वर्षों से आप देख मिल रहे हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सीनियर सदस्य हैं, मैं नया सदस्य हूं, मैं इस सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखना चाहता हूं। मैं हर विषय पर संसद में हमेशा मैंने डिबेट और चर्चा करने का आग्रह पूर्वक आप लोगों से कहा मैं मौका दूंगा। मैं अगर आपको स्थगन पर व्यवस्था देते तब आप बेल में आते, ये न्यायोचित बात है नहीं। मैंने आपको व्यवस्था दी नहीं, आपका स्थगन मैंने अभी स्वीकार करे या अस्वीकार करे इसका निर्णय नहीं किया, आप बेल में आ गए और फिर बेल में आकर आसन से आप चर्चा कर रहे हैं। आप सभी माननीय सदस्यों को मेरा आग्रह कि बेल में आकर आसन से चर्चा न करें, रही होगी परंपरा। मैं एक मिनट माननीय पूरी बात कहूं, 52 से लेकर अभी तक परंपरा ही, मैं इस सदन के अंदर आसन में खड़ा होकर कोई माननीय सदस्य बेल में खड़ा होकर आसन से चर्चा न करें। मेरा आपसे आग्रह, अगर सदन इस पर सहमति है तो सहमति दे, और सदन कहता नहीं हम आकर करें तो कोई दिक्कत नहीं।